सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मैं अकबर भाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी कक्षा 9 गद्य है आज हमारा है, वे है गद्य नंबर 19 और जिसका नाम है महाकवि कालिदास। पार्ट 1 उसमें हम लोगों ने देखा था कि कालिदास है वे बचपन से मूर्ख कहलाते थे, युवावस्था तक वे निरक्षर थे और इसके बारे में आगे बात बताई गई है कि वे जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को काटते थे, ऐसे मूर्ख थे। और उसको विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य के समय में माने जाते थे। तो उसके बाद लास्ट में हमने देखा था कि विद्योत्तमा नामक एक लड़की जो शारदानंद की बेटी थी, वे बहुत ही सुंदर गुणवान एवं ज्ञान वाली थी, तो उसको बड़ा घमंड था और उसने एक शर्त रखी थी कि जो आदमी शास्त्रार्थ में उससे हराएगा उसी के साथ विद्योत्तमा शादी करेगा। और कुछ विद्वान हैं, उन्होंने एक योजना बनाई जिसके आधार पर वे एक मूर्ख को ढूंढने के लिए निकल गए, क्योंकि वे सब मानते थे कि विद्योत्तमा को इतना बड़ा घमंड है इसीलिए उसकी शादी एक मूर्ख के साथ करवा देनी है, इसीलिए वे मूर्ख को ढूंढने के लिए जाते हैं, उसे मूर्ख मिल जाता है। वे जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा होता है, इसीलिए विद्वानों को लगता है कि इससे बड़ा मूर्ख हमें कहाँ मिलेगा, यही सबसे बड़ा मूर्ख है। इसीलिए वे उस मूर्ख आदमी को राजकुमारी से ब्याह करने के बारे में लालच देकर वे उसे अपने साथ लेकर आते हैं। अब उसमें एक शर्त रखते हैं कि वहां उसे कुछ बोलना नहीं है और गूंगा बन के बैठना है, और वे सब जो शास्त्रार्थ के लिए विद्योत्तमा के पास उसे ले जाते हैं। यहाँ तक हमने अगले लेक्चर में देखा था, आज हमें देखना है शास्त्रार्थ, उस मूर्ख के साथ विद्योत्तमा का शास्त्रार्थ किस प्रकार से होता है। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों में शास्त्रों के जानकार है, आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। लेकिन उन दिनों उनका मन व्रत चल रहा है इसीलिए वे आपके साथ संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा को वे विद्वान लोग बताते हैं कि हमारे साथ जो ये विद्वान आया है उसका मन व्रत चलता है इसलिए वे कुछ भी बोलने वाला नहीं है, इसीलिए संकेत के साथ यानी कि इशारे में आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। उस मूर्ख युवक विद्योत्तमा अब क्या होता है कि पंडितों ने यह बात विद्योत्तमा को बताई, विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बातें समझ नहीं सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। अब छात्र प्रश्न को आप देखना है, विद्योत्तमा को ऐसा लगा कि हाँ एक बहुत बड़ा विद्वान है जिसका मन व्रत चल रहा है, वे तो समझ गए, लेकिन वे ऐसी बात ना समझ सके कि विद्वान है वे उसके साथ छल कर रहे, धोखे से इस आदमी को लेकर आए, वे उसकी बात का विद्योत्तमा को पता चला नहीं। अब विद्योत्तमा ने एक उंगली बताई जिसका मतलब है कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, विद्योत्तमा ने ऐसा कहा ईश्वर एक है तो उसको क्या लगा कि यह मेरी एक आंख फोड़ देने वाली है, इसीलिए उसने दो उंगली दिखाते हुए उसकी दोनों आंख फोड़ डालने का संकेत किया। विद्योत्तमा ने क्या कहा ईश्वर एक है, तो वे जो मूर्ख था उन्होंने क्या बताया दो उंगली बताई, तो मूर्ख ऐसा बोलता है कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ डालूंगा। और पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरु जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर और जीव दो है, और इसका उत्तर भी सही हो गया, एक ईश्वर है और एक जीव है, इसलिए हमारे गुरु जी का उत्तर दो है।
इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगली दिखाकर 5 तत्वों का संकेत दिया। पहले प्रश्न में क्या हुआ, वे मूर्ख आदमी है वह जीत गए। अब दूसरा प्रश्न की बारी आई तो विद्योत्तमा ने 5 उंगली दिखाई, तो इसके उत्तर में वह मूर्ख ने समझा कि यह मेरे मुख पर तमाचा मारना चाहती है, इसीलिए मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब में गुस्से से देने का संकेत किया। विद्योत्तमा ने कहा 5, यानी कि तत्व 5 है हमारे पृथ्वी के, और वह आदमी को ऐसा लगा कि वे मेरे मुंह में तमाचा मारना चाहते, इसीलिए कालिदास ने इस तरह से मुट्ठी और सामने मारने का संकेत दिया। तो अब पंडित उसके बाद क्या बोलते हैं, देखो पंडितों ने इस बार विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियों बताई, 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं, इसलिए हमारे गुरु जी ने ऐसा किया। लेकिन कालिदास को तो मूर्ख को तो कुछ पता ही नहीं है कि इसका अर्थ पंडित तो क्या कर रहे हैं, उसको तो ऐसा लगता है वे श्री मुझे मारना चाहते इसीलिए मैं उसे इस तरह से मारूं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। वे मूर्ख तो कुछ बोला ही नहीं था, सभी बात पंडितों ने ही बोली, और इस प्रकार विद्योत्तमा ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उस मूर्ख के साथ शादी कर ली। अब क्या होता है मूर्ख के साथ, पंडितों का तो यही योजना थी कि उसकी ब्याह है वे उसके साथ हो जाए। एक दिन की बात है, एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर बोलने लगा, उठ उठ, जो गूंगा है बोल नहीं सकता, लेकिन ऊंट को देखकर वे आदमी है वे मूर्ख है वे बोलने लगा। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी, उसको पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं है बल्कि एक बहुत ही बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत ही मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश को रोक लगा दी और द्वार बंद कर दी। वे मूर्ख कौन था, कालिदास था, क्योंकि पहले ही हमें पता था ना कि वो जिस डाली पे बैठते हैं उसी डाली को काटते हैं, तो उसी के आधार पर कालिदास का ब्याह है वे विद्योत्तमा से हो जाता। लेकिन जब विद्योत्तमा को पता चलता है कि मेरा पति कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, वे तो एक बहुत बड़ा मूर्ख है, इसीलिए वे अपने कक्ष में आने के लिए मना कर देती है, अपना जो दरवाजा है वे कक्ष का बंद कर देती है, द्वार बंद कर देती है। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ। यहाँ पे देखना है माँ काली का वरदान किसे प्राप्त होता है, कालिदास को माँ काली का वरदान प्राप्त होता है, बहुत ही बड़ी तपश्चर्या करते हैं, और उसके बाद उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। यह बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, काली माँ का वरदान प्राप्त करने के बाद उसको क्या नाम मिला, कालिदास, यानी कि काली का उपासना करने वाला, काली की जो उपासना करते हैं, काली का जो दास है महाकाली माता, तो उसका जो दास है उसको क्या कहते हैं, कालिदास, इसीलिए उसका नाम पड़ा कालिदास। अब कालिदास नाम उसका पड़ गया, लेकिन शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीख कर प्रवीण हो गए, वे बहुत ही बड़े पंडित हो गए। उसके बाद राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के प्रमाण स्वरूप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। कालिदास के लिए उसकी पत्नी ने द्वार बंद कर दिए थे, कालिदास वहां से चले गए, महाकाली की कठोर तपश्चर्या की, उसके बाद उसे वरदान प्राप्त हुआ और उसका नाम दिया वो हो गया कालिदास।
काली की उपासना की, तत्पश्चात शास्त्रार्थ में वैज्ञानिक आधार, धर्म शास्त्र, राजनीति आदि के बारे में बहुत बड़े पंडित हो गए कालिदास। उसके बाद वे वापस अपने घर आए, कहाँ पे, विद्योत्तमा के पास आए, उसकी बीवी के पास आए, और द्वार तब भी बंद था। इतने साल हो गए, द्वार आज भी उसके लिए बंद ही था। कवि ने अपने द्वार, अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देही, विद्योत्तमा ने द्वार बंद किए थे, लेकिन कालिदास अब तो पढ़ाई करके आए हैं, बहुत बड़े पंडित हो गए, इसीलिए संस्कृत में ही बोले, अनावृत कपाट द्वार देही, यानी कि अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाक विशेष, एमा शु विशेषता छे, आओ तेनु गुजराती ने। એટલે ત્યારબાદ શું કાલિદાસ તેને જવાબ આપે છે, તો ઉસકે બાદ કાલિદાસ ઉસે કહેતે હે, ઇસ પર મહાકવિ કાલિદાસ ને ક્રમશઃ કુમાર સંભવ, મેઘદૂત એવર રઘુવંશ કી રચનાએ કી, વિદ્યોત્તમા કો સુનાઈ, વિદ્યોત્તમા કો અબ ઉસકે પંડિત હોને કા વિશ્વાસ હો ગયા, તો ઉસને દ્વાર ખોલ કર મહાકવિ કાલિદાસ કા સ્વાગત। कालिदास आए, बहुत बड़े पंडित बन गए, लेकिन फिर भी उसकी बीवी ने उसके लिए द्वार बंद ही रखे थे, लेकिन संस्कृत में आकर उन्होंने बोला, अनावृत कपाट द्वार देही, इसीलिए उसकी बीवी ने फिर प्रश्न किया कि अस्ति कश्चित वाग विशेष। इस प्रश्नों के आधार पर कालिदास ने उसके तीन महान ग्रंथ मेघदूत, कुमार संभव एवं रघुवंश, ये तीनों जो रचनाएं की थी उसके बारे में विद्योत्तमा को बताया, और विद्योत्तमा को पता चल गया कि सही समय, इसी प्रकार उसके जो पति है यानी कि कालिदास है, वे पंडित बनकर ही वापस लौटे हैं, इसीलिए कालिदास का विद्योत्तमा ने स्वागत किया। अब इसके आगे हमें पढ़ना है सात ग्रंथों की रचना। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था, प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है, उनको उनकी कोई तुलना नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उनके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। इतनी सारी रचनाएं उसके उसमें यही बात बता दी है कि राजा है वे प्रजा का शासक नहीं है, लेकिन उसके रक्षक है, उसके पिता तुल्य है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी के सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था, और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि शिक्षा दी जाती थी। यानी कि कालिदास के समय में स्त्री शिक्षण वे भी था, उसको संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि के बारे में शिक्षण दिया जाता था। महाकवि कालिदास के सात प्रमुख ग्रंथ है, सात ग्रंथ लिखा है कालिदास ने, उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। अब सातों ग्रंथ में किसके बारे में बात की गई है इसका सिर्फ यहाँ उल्लेख किया हुआ है, पूरी की पूरी रचना नहीं है, सिर्फ हमें इसका उल्लेख के बारे में ही अभ्यास करना है। ऋतु संहार यह एक उत्तम काव्य है, इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। ऋतु संहार नाम का नाटक है, इसमें कालिदास ने बखूबी प्रकृति का वर्णन किया है।
उसके बाद है दूसरा ग्रंथ मालविकाग्नि मित्रम और उसका पहला नाटक है। उसके पांच अंक है और मालविकाग्नि मित्रम वो नाटक है उसमें क्या आता है तो विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। वे उसका दूसरा नाटक ग्रंथ है मालविकाग्नि मित्रम। पहला है क्या है मेघदूत, उसके सॉरी पहला है ऋतुसंहार जिसमें प्रकृति का वर्णन, दूसरा आता है मालविकाग्नि मित्रम जिसमें विदिशा के महाराजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। उसके बाद तीसरा है विक्रमोवर्षीयम, कालिदास का दूसरा नाटक, इसमें पांच अंक तथा महाराजा पुरूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा है। तत्पश्चात कुमार संभव, वे ऐसा काव्य है, इसमें क्या है कि ये इसमें यहाँ शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। कुमार संभव, शिव पार्वती का ब्याह होता है, उसके बाद कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर का वध होता है, वहां तक उसका वर्णन दिया गया है। उसके बाद आता है मेघदूत, मेघदूत यानी कि कालिदास का पांचवा ग्रंथ। मेघदूत में ऐसा बताया गया है कि यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू से कालिदास ने बादल को दूत बनाकर, बादल जो आकाश में होते हैं ना, वे कोई लड़के का नाम नहीं, मूवी का नाम नहीं, बादल, बादल को दूत बनाकर कुबेर नगरी यानी कि अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी है अलकापुरी तक का जो मार्ग है वे उसमें बताया है मेघदूत में। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी वीरहिणी प्रिया को पहचानने में उपाय मेघ का बताया है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है, वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें कालिदास ने इसमें भारत के भूगोल की जो बात की गई है और इसके बाद बहुत ही अच्छी जानकारी भी दी गई। रघुवंश, तत्पश्चात आता है रघुवंश, एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने के पहले ही यह कह दिया था कि कहा तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहा मोटी बुद्धि वाला मैं, तिनको से बड़ी छोटी सी नाव लेकर अपार समृद्धि को पार करने के बाद सोच रहा हूँ सूर्यवंश में दिलीप से लेकर कुश और उनके उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में। दिलीप कौन है? दिलीप राम के वंश के बारे में बताया है इसमें। दिलीप तत्पश्चात रघु, अज, दशरथ, राम और उसके बाद लवकुश, उसके सभी वंशों के बारे में यहाँ बात की गई है रघुवंश में। और सबसे बखूबी आता है उसका जो एक महाकवि कालिदास का सातवां और सर्वश्रेष्ठ नाटक जिसका वह ग्रंथ है, सॉरी उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं पे सुना भी होगा अभिज्ञान शाकुंतलम, यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें सात अंक। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। ये दोनों पात्र के बारे में आपको पता है, दुष्यंत और शकुंतला, आठवीं कक्षा में भी आपको आता है, जो एक छोटा सा बालक सिंह सावक का दांत गिनने जाता है, तपस्विनियों के बारे में, ये सब बातें दुष्यंत और शकुंतला के बारे में इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में लिखा है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, लोक ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो इसके बारे में ज्यादा मैं यह बता दूं कि अभिज्ञान शाकुंतलम है वे ऐसी महान कृति है, कालिदास की सात रचना है वे ग्रंथ है, उसमें सर्वश्रेष्ठ कोई रचना बताई है उसका जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है वे है अभिज्ञान शाकुंतलम। जर्मन के एक कवि थे गेट,
जिसका नाम गेट थे, वे अपने सिर पर ये अभिज्ञान शाकुंतलम लेकर नाच रहे थे। तो ऐसे कालिदास की बखूबी बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं। कालिदास ने साहित्य क्षेत्र में बहुत ही सृजन किया। ये सातों ग्रंथ है उसके आधार पर बहुत ही अच्छा वर्णन मिलता है। इसके बाद महाकवि कालिदास जो संस्कृत कवि के रूप में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में संस्कृत में कितनी सारी रचनाएं उन्होंने की है, हिंदी में भी की है, तो उसके आधार पर आज हमारा जो यह गद्य है महाकवि कालिदास यह यहाँ पे खत्म होता है। आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा विद्योत्तमा के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ, तत्पश्चात विद्योत्तमा को पता चला कि मैं जो जिसके साथ शादी की है वे मूर्ख है, इसीलिए वे उसको अपने द्वार में आने के लिए मना कर देती है। कालिदास वहां से चले जाते हैं और महाकाली यानी कि माँ काली की उपासना करते हैं और उससे क्या प्राप्त होता है, वरदान प्राप्त होता है। और काली की उपासना करने के लिए उसे जो वरदान प्राप्त होता है इसीलिए उसका नाम हो जाता है कालिदास। और तत्पश्चात वे वापस विद्योत्तमा के पास आते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, सभी रचनाएं उसे सुनाते हैं और विद्योत्तमा को पता चल जाता है कि मेरे पति है वे बहुत बड़े पंडित बन के आए हैं। और इसके बाद उसके जो सात ग्रंथों हैं इसमें कौन से पात्र है किसके बारे में बात की गई है, ऐसी इसकी जो ग्रंथों के बारे में थोड़ी बहुत माहिती यहाँ पे मिलती है। बखूबी कहा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में महाकवि कालिदास का बहुत ही बड़ा योगदान है और इसमें भूगोल, ललित कला और स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है।